हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी टॉपिक है डेक स्लैब ब्रिजेस, सब्जेक्ट है SCDD 1 यूनिट 3। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा मैं डिज़ाइन ऑफ डेक स्लैब पे। उससे पहले डेक स्लैब ब्रिजेस में कितने टाइप के लोडिंग है वो देख लीजिए आप, और इसके लिए IRC लोडिंग फॉलो करना है अपने को। तो यहाँ पे देखिए, ये चार्ट रहता है IRC का। इसमें फर्स्ट है क्लास ए लोडिंग, सेकेंड टाइप है क्लास बी लोडिंग, इसके लिए ये सेक्शन रहेगा लोडिंग का, और ये प्लान है सेक्शन लोडिंग का, ये फॉलो करके यूज़ करना रहता है अपने को। और थर्ड टाइप है क्लास डबल ए लोडिंग, जिसमें थर्ड टाइप है ट्रैक्ट व्हील, और इसमें सेकेंड टाइप है व्हील्ड व्हीकल। एक ट्रैक्ट है, एक व्हील्ड है, क्लास डबल ए में 2 टाइप्स है। तो ये वीडियो में मैं आपको क्लास ए लोडिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें ये सेक्शन कंसीडर करना है अपने को और ये प्लान कंसीडर करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, डिज़ाइन ए डेक स्लैब ब्रिज ऑफ इफेक्टिव स्पैन 4.2 मीटर एंड क्लियर कैरेज वे विड्थ ऑफ 7 मीटर। इट इज़ सब्जेक्टेड टू 2 लेन ट्राफिक ऑफ क्लास ए लोडिंग, यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe 415 ग्रेड स्टील। अज्यूम विड्थ ऑफ कर्व एज 0.6 मीटर। पहले क्वेश्चन समझ जाइए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है डायरेक्ट, और जो कैरेज वे है वो क्लियर है, मतलब इसको अपने को इफेक्टिव बनाना पड़ता या ओवरऑल कंसीडर करना पड़ता विड्थ ऑफ कर्व यूज़ करके। अगर यहाँ पे आपको खाली कैरेज वे दिया तो ये डायरेक्टली कैरेज वे, एक्चुअल कैरेज वे, टोटल कैरेज वे कंसीडर कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्लियर रहने से इसमें 2 बार 2 साइड्स कर्व विड्थ ऐड करना पड़ता। लोडिंग सिस्टम क्या है देखिए, क्लास ए लोडिंग है, 2 लेन्स है, अपने को चेक करना पड़ता प्रॉब्लम में 2 लेन आ रही हैं या नहीं आ रही। 2 लेन दिया हुआ है ना, तो आ जाते 2 लेन इसमें। उसके बाद ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया हुआ है M20, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है Fe 415 ग्रेड स्टील। ये प्रॉब्लम जो है सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिपेंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप गिवन डेटा लिख लीजिए, एल इफेक्टिव दिया हुआ है 4.2 मीटर, क्लियर कैरेज वे है 7 मीटर। क्लियर का मतलब रहता है एक्सक्लूडिंग कर्व। टाइप ऑफ लोडिंग दिया हुआ है क्लास ए 2 लेन्स। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड रहने से यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। फॉर M20 सिग्मा CBC विल बी 7 न्यूटन पर एम स्क्वेयर, फॉर Fe 415 सिग्मा ST विल बी 230 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। ये वैल्यू आपको IS 4x6 2000 से आती है। टेबल 21 अगर रिफ़र करें तो यहाँ पे M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू है 7 M20 के लिए, और यहाँ पे Fe 415 का मतलब रहता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, HYSD बार्स। तो इसके लिए वैल्यू रहेंगी σST की 230 न्यूटन पर स्क्वेयर। टेबल 21 और टेबल 22 रिफ़र करना है IS 456 2000 का, वो भी ले लीजिए वैल्यू। σCBC σST आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में थिकनेस ऑफ स्लैब अज्यूम करना रहता है यहाँ पे। तो थिकनेस ऑफ स्लैब डायरेक्टली कैपिटल डी अज्यूम कर लीजिए 400 mm, इफेक्टिव कवर अज्यूम करिए 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ होता कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, 400 - 50 = 350 mm। नेक्स्ट है अज्यूम थिकनेस ऑफ वेयरिंग कोट, स्लैब के ऊपर जो वेयरिंग कोट आता ना उसकी थिकनेस भी अज्यूम करना पड़ता है। थोड़े प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन में गिवन रहता डेप्थ ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ वेयरिंग कोट, अगर नहीं दिया तो ये अज्यूम कर ले सकते हैं आप मीनवाइल। तो थिकनेस ऑफ वेयरिंग कोट अज्यूम मैं यहाँ पे करा 80 mm, ऑल्सो कैन बी रिटन एज 0.08 मीटर्स। थिकनेस ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ वेयरिंग कोट अज्यूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड मालूम करने के लिए थिकनेस रिक्वायर्ड थी अपने को, इसलिए इससे पहले थिकनेस अज्यूम कर लेना। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखिए, डेंसिटी ऑफ बिटुमेन 20 kN/m³ है, डेंसिटी ऑफ RCC 25 kN/m³ है। तो डेड लोड ऑफ स्लैब मालूम करने के लिए डेड लोड ऑफ स्लैब बोल सकते हैं या सेल्फ वेट ऑफ स्लैब बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है एरिया इंटू डेंसिटी। तो डेड लोड ऑफ स्लैब का बन जाएगा एरिया 0.4 × 1, 0.4 यहाँ पे है कैपिटल डी डेप्थ ऑफ स्लैब जो ज्यूम करे थे अपन L×B के हिसाब से, ये 0.4 × 1 लेंथ यहाँ पे 1 मीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो 1 आ जाएगा एरिया की जगह पे। और डेंसिटी है स्लैब जो है ना RCC का बने हुआ रहा था, इसलिए 25 लीजिए, तो ये आया 10 kN/m². नेक्स्ट है डेड लोड ऑफ वेयरिंग कोट, यहाँ भी सेम D×लेंथ 0.08, ये 80 mm है तो 0.08 आता, × 1 लेंथ हो गया, × 20 डेंसिटी ऑफ बिटुमेन, तो ये आया 1.6 kN/m². तो नेक्स्ट स्टेप में टोटल डेड लोड मालूम कर लीजिए दोनों को ऐड करके,
डब्ल्यू डी से डिनोट कर लीजिए इसको, 11.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आता है, मगर पर मीटर कंसिडर करना रहता अपने को। नेक्स्ट एल इफेक्टिव दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.2 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एम डी एल, यू डी एल रहता है ये, तो यू डी एल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यू डी एल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट है ना, वो फॉर्मूले के थ्रू मालूम करना है अपने को, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई एट। तो ये आ गया 25.58 किलो न्यूटन मीटर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम रहता है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड मालूम करना, वो मालूम कर लिए अपने।